चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोर्स एफ सच दैट द ब्लॉक शोन इन द अरेंजमेंट डज नॉट मूव। ये मूव नहीं करना है अगर, और फ्रिक्शन फोर्स दिया हुआ है म्यू। तो अगर फोर्स के डायरेक्शन की बात करें, फोर्स इधर लग रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री एंगल बनाते हुए, अगर एफ इधर है तो ये कंपोनेंट होगा एफ कॉस 60 डिग्री, और वर्टिकल में डाउनवर्ड डायरेक्शन एफ साइन 60 डिग्री होगा, और ग्रेविटी की वजह से एम जी नीचे लगेगा। तो अगर एफ कॉस 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है तो इंटेंशन ऑफ मोशन राइट साइड में होगा, तो उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन फोर्स इधर लगना चाहिए। तो फ्रिक्शन फोर्स और एफ कॉस 60 डिग्री इक्वल होना चाहिए, तभी ये ऑब्जेक्ट रुकेगा, यानी रेस्ट पे रहेगा, डज नॉट मूव क्या है ना। तो इसके लिए आपको फ्रिक्शन फोर्स फाइंड आउट करना है। फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू होता है म्यू इंटू एन। तो आपको उसके लिए एन की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, म्यू की वैल्यू दी हुई है। तो एन कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में दो फोर्सेस लग रहे हैं, ग्रेविटेशन फोर्स एम जी और एफ साइन 60 डिग्री। तो जो नेट फोर्स होगा वो होगा एफ जी प्लस एफ साइन 60 डिग्री। इसको सॉल्व कर लेते हैं। एफ जी की वैल्यू होगी एम इंटू जी प्लस एफ इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2, और एम की वैल्यू है √3 इंटू जी, जी की वैल्यू 10 कर देते हैं, प्लस एफ इंटू √3/2। ये एफ नेट की वैल्यू हो गई। एफ नेट की आपका नॉर्मल रिएक्शन है, जिसको आप F2 और F3 भी बोलते हैं हम लोग, जिसको हम ठीक है नॉर्मल रिएक्शन है N। तो अब ये वैल्यू नॉर्मल रिएक्शन उठा के हम यहाँ रख दें तो फ्रिक्शन फोर्स निकल जाएगा म्यू इंटू एन, यानी 10√3 प्लस एफ इंटू √3/2। यहाँ पर म्यू की वैल्यू 1/2√3 है, ये पुट कर दिया 10√3 प्लस एफ √3/2। अगर √3 कॉमन लेंगे तो बाहर √3 एक डिनोमिनेटर में कट जाएगा, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा 5 इंटू F/4। ये एफ आर आएगा फ्रिक्शन फोर्स 5 प्लस F/4, और F इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो क्या हो जाएगा ये, अगर थोड़ा सॉल्व करेंगे F/4 उधर ले जाएंगे, F/2 माइनस F/4 इज इक्वल टू 5, यानी F/4 इज इक्वल टू 5 आएगा। इट मीन्स F इज इक्वल टू 820 हो जाएगा, 20 न्यूटन। कौन सा ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है? ए वाला ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।